हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, क्या आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और उसका एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं इस वीडियो को पूरा करने के साथ साथ आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और मुझसे बेटर कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र और मेरा नाम है राहुल चौधरी। आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो वही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले छात्र और उसकी परीक्षा देने वाले छात्रों के मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है। क्या दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे की पढ़ाई के लिए? तो दोस्तों, ये मुझसे बेटर कोई नहीं बता सकता आपको। सबसे अच्छा माध्यम है जवाहर नवोदय विद्यालय आपकी तैयारी के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के आपको संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला एक माध्यम, एक ऐसा विद्यालय जहां पर हॉस्टल अवेलेबल होता है। दोस्तों, दूसरा और भी बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में ज़रूर आते होंगे कि नवोदय विद्यालय में हमें क्या क्या मिलेगा, वहां पर खाना कैसा मिलता है, कौन सा बोर्ड जो है वो एफिलेटेड होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, उससे क्या क्या चीज़ जो है हमें वहाँ पर करनी पड़ती है, सुबह कितने टाइम उठना पड़ता है, एक एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो में एंड तक पता लग जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं सुबह उठने से शुरू करता हूँ कि आप सुबह वहाँ पर कितने बजे उठेंगे। वो दोस्तों मौसम के अनुसार होता है। अगर गर्मी है तो सुबह जल्दी मॉर्निंग में पीटी होती है, और अगर सर्दी है तो थोड़ा सा लेट, फिर भी सुबह 6 बजे तक आपकी पीटी समाप्त हो जाती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अगर ज़्यादा सर्दी है तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद नाश्ते की बात कर लेते हैं कि नाश्ते में क्या क्या मिलता है। नाश्ता भी आपका पर डे चेंज हो जाता है, जो भी मेन्यू में होता है वो आपका पर डे चेंज हो जाता है। पोहा मिल जाता है, ब्रेड आलू और दूध मिल जाता है, उसके बाद आपको पूरी सब्जी मिल जाती है। तो इस तरीके से रूटीन वाइज जो भी आपका नाश्ता है वो रूटीन वाइज आपको मिलेगा। सुबह 7:30 बजे नाश्ता मिलता है वहाँ पर। दोस्तों, उसके बाद फिर क्लास होती है, और क्लास के बाद जो है खाने का टाइम आता है। सबसे इंटरेस्टिंग, खाना कैसा मिलता है वहाँ पर। दोस्तों, खाने की क्वालिटी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होती है। आपको राजमा चावल मिलेगा, आपको जो भी मौसमी सब्जी आती हैं वो सारी की सारी हरी सब्जियां मिलेंगी, आपको आलू मटर मिल जाएगा। और दोस्तों, संडे को खीर पूड़ी छोले की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, और ये थोड़ा सा जो वैरायटी आपकी टेस्ट बदलेगी, कुछ इस तरीके का खाना आपको मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। खाने की क्वालिटी एकदम A1 होती है। उच्च क्वालिटी का खाना बच्चों को प्रदान किया जाता है, क्योंकि ये जो विद्यालय है वो केंद्र द्वारा संचालित होते हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर डिनर की बात कर लेते हैं, और डिनर भी आपको समझ जाइए वही सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको लंच के जैसा मिलता है। एक दाल ज़रूर आपको मिलेगी, आपको एक दाल ज़रूर मिलेगी, और सांभर भी मिलता है। मेरे यहाँ जब मैं पढ़ता था तो मुझे सांभर का भी टेस्ट वहाँ पर देखने को मिला, चखने को मिला। दोस्तों, अब लंच और डिनर के बीच की बात करते हैं। क्लास के बाद रेमेडियल स्टडीज़ होती हैं, यानी कि आपको क्लास के बाद हॉस्टल जाना है, लंच करना है, उसके बाद फिर जो है एक घंटा रेस्ट करने के बाद फिर से आपको एकेडमिक्स की बिल्डिंग में आना है, और वहाँ पर एक घंटा स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी। बाकी टीचर्स की जो ड्यूटी होती है वो टीचर्स आते हैं, अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उसको हम रेमेडियल स्टडीज़ बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों गेम्स का टाइम आता है, वहाँ पर आपको सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं जो भी आप खेलना चाहें, चाहे आप हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, क्रिकेट ले लें, कबड्डी ले लें, खो खो ले लें, कोई भी ले लें, अगर ग्राउंड अवेलेबल है अच्छा सा तो नवोदय में हर स्पोर्ट्स की क्वालिटी जो है मिलती है आपको। और मेरे यहाँ जहाँ पर मैं पढ़ता था वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड था कि एक ग्राउंड में सारे के सारे ग्राउंड बने हुए थे। तो दोस्तों, पूरा जो है, पूरी जो दिनचर्या है, पूरा जो क्रियाकलाप है वो आपने जान ली है। दोस्तों, नवोदय में जाते ही आपको सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म का नाप लिया जाएगा,
उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी, स्टेशनरीज पूरी मिलती हैं, लाइब्रेरी से बुक्स इशू होती हैं आपके लिए जो आपको साल के अंत में जमा करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि आप क्लास सिक्स पूरा करेंगे, क्लास सिक्स के बाद जब सेवन्थ में जाएंगे तो सिक्स की बुक्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी दोस्तों। उसके बाद आपको मच्छरदानी, बेड, बेडशीट और तकिया, थाली, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और दोस्तों नहाने के लिए साबुन, तेल, जो भी आपको कपड़ा धोने के लिए साबुन, मंजन और ब्रश, हर चीज़ जो है, शूज़ भी, हर चीज़ जो है जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था जो है आपको उपलब्ध कराती है, वो भी निःशुल्क। क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट तक चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उससे फीस नहीं पड़ती है। क्लास सिक्स के बाद सेवन्थ और एट्थ, उसके बाद जब नाइन्थ में बच्चा पहुंचता है तो अगर APL में है तो उसको 600 रुपये, और अगर उसके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं तो 1500 रुपये विद्यालय विकास निधि के नाम से शुल्क लिया जाता है पर मंथ। दोस्तों तो ये थी संपूर्ण जानकारी नवोदय से संबंधित सारे क्रियाकलाप की। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, और भाई चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।